सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। एक्सेलेंसी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एक्सेलेंसी आईएएस में हम लोग जीपीएससी प्रीलिम्स की महासंग्राम सीरीज़ कर रहे थे। ये जो टाइम है, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रिपरेशंस करें, क्या करें और क्या नहीं करें। हम लोग आपके लिए जेपीएससी प्रीलिम्स की महासंग्राम सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ इन सीरीज़ को करते रहिए और हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए और हम आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। आई थिंक कि हम आपके लिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आइए हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि चूज़ द करेक्ट मैचेस, मतलब हमें करेक्ट मैच चूज़ करना है। इन दिस क्वेश्चन हमें एक साइड में सुपर कंप्यूटर्स दिए गए हैं और एक साइड में उनके ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या है? नंबर वन है परम शक्ति एंड ऑर्गेनाइजेशन इज आईआईटी कानपुर। नंबर थ्री इज परम युक्ति एंड ऑर्गेनाइजेशन इज आईआईएसईआर पुणे। नंबर फोर इज परम ब्रह्मा एंड ऑर्गेनाइजेशन इज JNCASR बेंगलुरु। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। द करेक्ट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का वो है नन ऑफ द अबव। ये सभी जो हमें दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस और सुपर कंप्यूटर्स, ये सभी के मैचेस गलत है। करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू भारत क्यूआर कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इट इज़ एन इंटर ऑपरेबल पेमेंट सॉल्यूशन। नंबर टू, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई NPCI मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। एंड नंबर थ्री, इट इज कैपेबल ऑफ 360 डिग्री हाई स्पीड रीडिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये सभी स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट ओनली स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। एंड जो हमारा स्टेटमेंट थ्री है वो स्टेटमेंट थ्री हमारा गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। ताइहू लाइट रिसेंटली इन न्यूज इज अ न्यूक्लियर वेपन, सुपर कंप्यूटर, लाइट एमिटिंग डायोड एंड स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ताइहू लाइट जो है अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में था, तो आपको बताना है कि ये क्या है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो बताइए हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो ताइहू लाइट है वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये है क्या? इज इट अ न्यूक्लियर वेपन, सुपर कंप्यूटर, लाइट एमिटिंग डायोड एंड स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ताइहू लाइट जो है वो एक्चुअली में एक सुपर कंप्यूटर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की SI यूनिट क्या होती है? तो डॉब्सन, लाइट ईयर, हर्ट्ज एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। डॉब्सन इज ऑल्सो नॉट द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट ईयर इज ऑल्सो नॉट एंड हर्ज इज ऑल्सो नॉट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। आवर क्वेश्चन नंबर फाइव इज, रंगराजन कमिटी इज रिलेटेड टू विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी रंगराजन कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज
MSP determination for rice. Option B is MIS determination for horticultures. Option C is FRP determination for sugarcane. And option D is price support system for oil seeds, pulses and cotton. जो रंगराजन कमिटी है वो इन सब में से किससे रिलेटेड है? सो रंगराजन जो कमिटी है वो FRP determination for sugarcane से रिलेटेड है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है हमारा वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू धन लक्ष्मी योजना. आपको बताना है कि धन लक्ष्मी योजना क्या है. सो ऑप्शन वन इज इंश्योरेंस कवरेज ऑफ गर्ल चाइल्ड. ऑप्शन बी इज इम्यूनाइजेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. ऑप्शन सी इज टू ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन बॉयज. सो एक्चुअली धनलक्ष्मी जो योजना है वो बेसिकली गर्ल्स से रिलेटेड है. सो जो धनलक्ष्मी योजना है इट इज़ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन एंड टू. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन एंड टू है. तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आएंगे, जैसे JPSC, JSSC. सो इन टाइप के क्वेश्चंस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस महासंग्राम सीरीज में 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है. तो आप बस हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और आपके बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. सो आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7. इंडिया हैज ओपन स्काई एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए इज SAARC. ऑप्शन बी इज ASEAN. ऑप्शन सी इज APEC. एंड ऑप्शन डी इज BRICS. सो इंडिया हैज़ ओपन स्काई एग्रीमेंट विथ SAARC. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन हमारा सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सौभाग्य स्कीम. हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन चार स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि सौभाग्य स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है हमें. सो स्टेटमेंट्स देखते हैं आइए. सो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि इट एम्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल रिमेनिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ऑप्शन बी इज स्कीम इज फॉर ऑल द विलेजेस एंड टाउन्स इन UTs एंड स्टेट्स. ऑप्शन थ्री जो है हमारा, देयर इज नो अपफ्रंट फी फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंडर द स्कीम. एंड ऑप्शन डी इज रेशन कार्ड नंबर इज कंपल्सरी फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर अंडर सौभाग्य. सो जो हमारा जो सौभाग्य जो स्कीम है उसमें जो है रेशन कार्ड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है. सो रेशन कार्ड इज कंपल्सरी फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर अंडर सौभाग्य. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज रेशन कार्ड नंबर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोवाइड नहीं करना होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. इन दिस क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट हमने फाइंड कर लिया कि इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी है और जो रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस है वो करेक्ट है. सो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग बहुत सारे माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं, आप इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है उसे गलत करके आते हैं. सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग ऐसे माइनर मिस्टेक्स से बच सके और आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके. सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, सृष्टि रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, जो सृष्टि है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी चर्चे में था अभी न्यूज़ में। सो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सो आप बताइए कि सृष्टि जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। नंबर 1 वुमेन एम्पावरमेंट, नंबर 2 रूफटॉप सोलर पावर डेवलपमेंट, नंबर 3 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, एंड नंबर 4 माइथोलॉजी रिलेटिंग टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो जो सृष्टि है, सृष्टि इज जनरली रिलेटेड टू रूफटॉप सोलर पावर डेवलपमेंट। ओके, सो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन में। सो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, सो ओनली 2 इज करेक्ट। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। ओके, कि लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन, लॉ कमीशन जो है वो कौन सी बॉडी है। सो क्या वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो लॉ कमीशन जो है इंडिया की, वो एक्चुअली में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NHRC। आपको NHRC के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो NHRC के बारे में हमें सही दिए गए हैं। सो स्टेटमेंट्स हमें कुछ दिए गए हैं, और स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। NHRC जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NHRC वॉज सेटअप इन 1951। NHRC जो है 1951 में सेटअप किया गया है। NHRC रिकमेंड्स द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। NHRC जो है वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इट इज़ अ 6 मेंबर बॉडी, और NHRC जो है वो 6 मेंबर बॉडी है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, इनकरेक्ट, हियर यू फाइंड द वर्ड इनकरेक्ट। ओके, सो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिए गए हैं। एक्चुअली NHRC जो है ना, NHRC इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो हमारा जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, इन सब में से हमारा जो स्टेटमेंट 3 है सिर्फ वो सही है, और बाकी के जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो गलत है। सो हियर इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। हियर यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट वन। सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो है कि फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज सेटअप एट कैलकटा, इट वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ विच लेजिस्लेशन। ओके, एंड ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया 1858, एंड चार्टर एक्ट 1853। सो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ओके, दैट द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया was set up at Calcutta and it was set up under the provision of Indian High Court Act 1861. So, जो हमारा आंसर है करेक्ट वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए,
और मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन वन, आर्टिकल 225 डील्स विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। ऑप्शन नंबर टू जो है, रिटायरमेंट एज फॉर जजेस हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 62 to 65 ईयर्स थ्रू 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। एंड ऑप्शन थ्री जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। एंड ऑप्शन फोर इज, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव। So in this question, you have to identify the correct statement, okay? So actually the statement one is correct, that article 225 deals with the jurisdiction of existing high courts. So jo hamara question number one hai, option one hai, wo sahi hai. So hamara option one jo hai wo sahi hai, theek hai. Option two dekhte hai. रिटायरमेंट एज फॉर जजेस हैज़ बीन रेज फ्रॉम 62 to 65 ईयर्स थ्रू 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। जो जजेस का रिटायरमेंट एज है वो मैक्सिमम एज 62 ही है, तो हमारा जो स्टेटमेंट टू है वो गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट टू हमारा जो है वो गलत है। अब स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ 4 स्टेट्स तक ही है, तो जो करेक्ट है वो यहाँ पे 1 यूटी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट 4 देखते हैं, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट 4 है वो बिल्कुल सही है कि सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व्स बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 है। एंड जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तो हमें कहीं भी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 मेंशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा नन ऑफ द अबव, ओके, नन ऑफ द अबव, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 हमें किसी भी ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ द अबव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए ताकि आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो पाए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ हाई कोर्ट्स, सोर्स ऑफ पावर एंड इनएक्शन ईयर। ओके, एक साइड हमें सोर्सेस ऑफ पावर दिए गए हैं और एक साइड हमें इनएक्शन ईयर दिए गए, और हमें बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है और कौन से जो है वो गलत है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चंस में यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट, ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। सो यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट मैच हियर। सो सोर्सेस ऑफ पावर एंड इनएक्शन ईयर, सो नंबर वन जो है वो है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1861। ऑप्शन टू जो है क्रिमिनल प्रोसीड्योर सिविल प्रोसीड्योर कोड 1973। ऑप्शन थ्री जो है इंडियन पेनल कोड 1860। सो द इन दीज थ्री ऑप्शंस, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू आर इनकरेक्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एट, that 1 and 2 are incorrect, 1 and 2 are incorrect and only 3 is correct. Okay, so ab aa jaate hain apne next question pe, question number 15 pe. So ye hamara next question hai, question number 15. So consider the following statements regarding high courts in India. Ye hame high courts ke bare mein do statements diye gaye hain, theek hai. तो हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और स्टेटमेंट टू इज, पेंशंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके, सो द अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं कि हमें ऑप्शंस तक क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन।
So option A is only one, option B is only two, option C is both one and two, and option D is neither one nor two. Okay? So जो हमारा question था, एक बार questions को फिर से देखते हैं. जो हमारा question था, question number 15, वो ये है कि salaries and allowances of high court judges are charged on consolidated fund of India. तो ये जो हमारा statement है, ये statement तो हमारे गलत है. So this is not the correct statement, this is the wrong statement. And pensions of high court judges are charged on consolidated fund of state. So ये statement भी हमारा गलत है. Okay? So this statement is also wrong. So हमारे जो options दिए गए हैं, that neither one and nor two. So this is the correct answer. कि दोनों ही statements जो है, वो दोनों ही statements गलत है. Okay? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे. ठीक है. सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रूट. सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. चूज द करेक्ट इन, सो एक्चुअली चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. ठीक है. सो स्टेटमेंट वन जो है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पस, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्वेश्चन नंबर टू जो है, हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट ऑफ इंजंक्शन, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू द रिट ऑफ इंजंक्शन. एंड स्टेटमेंट थ्री इज, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन द केस ऑफ अपील, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली व्हेन द पार्टी डायरेक्टली अप्रोचेस इट. सो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं ये तीन, और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. सो ऑप्शंस है ओनली वन, ऑप्शन बी इज ओनली टू, ऑप्शन सी इज ओनली थ्री, एंड ऑप्शन डी इज ओनली फोर. सो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. हम आपके लिए और भी वीडियोज एंड और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हमारे कमिंग वीडियोज में. तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए और रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए. तो वी होप दैट यू जस्ट कीप वॉचिंग अवर वीडियोज एंड जस्ट हमारे वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.